भाई जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि ऑर्डर बुक के ऊपर मैं आपके लिए लंबी वीडियो लेके आऊंगी, तो मैं वापस आ चुकी हूँ आपके लिए एक वीडियो के साथ जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि एक प्रोमो ऐप पर जब आप किसी भी इवेंट पर ट्रेड करते हो तो नीचे ऑर्डर बुक जैसा कुछ नजर आता है, आखिर वो है क्या, उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, सब बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको कंप्लीटली ऑर्डर बुक समझ में आ जाए। ज्यादा लंबी तो वैसे भी ये वीडियो है नहीं, तो बने रहना। तो प्रोमो पर आए नए फीचर्स में सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट फीचर है ऑर्डर बुक। आप में से बहुत सारे यूजर्स ने इवेंट डिटेल्स पेज पर एक्टिविटी के साथ वाली टैब में ऑर्डर बुक जैसा शब्द काफी बार देखा होगा, लेकिन अभी रिसेंटली ऑर्डर बुक को ट्रेडिंग बॉटम शीट, जब आप नीचे से ट्रेड प्लेस करते हो वो यस या नो क्वांटिटी चेंज करने वाली शीट आती है ना, उसका पार्ट बना दिया गया है, क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है जो इतना इंपॉर्टेंट है और जो सिर्फ ट्रेडिंग के वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया, मेरी लाइव स्ट्रीम्स पर कमेंट किया, मेरी वीडियोस में कमेंट किया कि मैम ऑर्डर बुक है क्या और ये ट्रेडिंग में मेरी कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान ले। आपको याद होगा कि ट्रेडिंग बॉटम शीट में जहां प्राइस का स्लाइडर होता है, प्राइस चेंज करने के लिए स्लाइड करते हो ना, वही उसमें करंट सिलेक्टेड प्राइस के नीचे एक इन्फॉर्मेशन आती है अवेलेबल क्वांटिटीज कि उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है, ताकि आपका ट्रेड मैच हो पाए आपके ऑपोजिट ओपिनियन वाले से। ये काफी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके दो लिमिटेशंस भी। पहली कि एट अ टाइम ये सिर्फ एक ही प्राइस पर अवेलेबल क्वांटिटीज दिखाता है, यानी अगर आपने 4 को 4.5 पे किया तो 4.5 रुपए पर कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है केवल वही दिखाएगा। या आपने 4.5 को 5 पे किया या 4.5 को 6 पे किया तो पर्टिकुलरली उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है सिर्फ वही दिखाता है। बाकी प्राइसेस पे अवेलेबल क्वांटिटीज कितनी है ये देखने के लिए आपको सारे प्राइसेस पर एक एक करके स्लाइडर को मूव करना पड़ता था, है ना, लंबा काम था, भारी काम था, आसान कर दिया भाई हमने। अब दूसरी लिमिटेशन ये थी कि ये तो अवेलेबल क्वांटिटीज थी, ये क्वांटिटीज रियल टाइम अपडेट नहीं होती है। अब आप ये सोच रहे हो ना कि ये रियल टाइम क्या बोल दिया सौम्या मैम ने, बताती हूँ। रियल टाइम का मतलब ये कि कभी अगर आपने अपनी बॉटम शीट ओपन कर दी और वहां 4.5 रुपए पर आपको 100 क्वांटिटीज दिख रही हैं और आपने स्वाइप करने के लिए 5-6 सेकंड वेट कर लिया और तब तक वो अवेलेबल क्वांटिटीज किसी और यूजर ने खरीद ली, तो आपकी बॉटम शीट में जो खुली हुई है अभी भी वो 100 अवेलेबल क्वांटिटीज दिखेंगी, जबकि वो ऑलरेडी कोई और खरीद चुका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रियल टाइम अपडेट नहीं हो रही है। ये है दूसरी लिमिटेशन, काफी इरिटेटिंग है। तो ऑर्डर बुक ने इन दोनों लिमिटेशंस को आसानी से कवर कर लिया है। कैसे? एक तो ऑर्डर बुक में एक बार में आपको एट अ टाइम यस और नो दोनों ऑप्शंस पर आपको अवेलेबल क्वांटिटीज दिखती हैं और ये प्राइसेस आपको एक साथ दिख जाएंगे, जिससे आपका वो स्लाइड कर करके प्राइसेस और क्वांटिटी चेक करने का झंझट जड़ से खत्म। दूसरा, ये जो यस या नो पर 5-5 प्राइसेस पर अवेलेबल क्वांटिटीज जो आपको शो होंगी, ये होंगी रियल टाइम। जैसे ही कोई और यूजर उन क्वांटिटीज पर अपना ट्रेड प्लेस करेगा, ये आपकी ऑर्डर बुक में से माइनस या गायब हो जाएगी, और अगर किसी और प्राइस पर क्वांटिटीज बढ़ेंगी या अवेलेबल होंगी तो वो आपकी ऑर्डर बुक में ऐड हो जाएगी, जिससे आपको रियल टाइम क्वांटिटीज की वैल्यू पता रहेगी। ट्रेडिंग बॉटम शीट के अंदर ऑर्डर बुक को आप अप एरो से कोलैप्स भी कर सकते हैं और डाउन एरो से वापस ओपन कर सकते हैं। तो ऑर्डर बुक का कॉन्सेप्ट और ऑर्डर बुक का नया फीचर कैसा लगा, और क्या मेरी वीडियो ने आपके ऑर्डर बुक से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को हटा दिया? अगर हाँ तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ, ताकि मुझे भी तो अच्छा लगे ना कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से इतनी रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ और आपको वीडियो के बारे में सब समझ में आ गया। और अगर नहीं तो सीधी सी बात है, वीडियो का स्लाइडर लेके जाओ 0.0 सेकंड्स पर और ये सारी वीडियो शुरू से दोबारा देखना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रोमो पर ट्रेडिंग पर फुल स्टॉप कभी मत लगने दीजिएगा।